वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस सीरीज़ में ऑलरेडी 10 वीडियो जो है वो मैंने पोस्ट किए हैं जिसमें हम लोगों ने 500 हंड्रेड क्वेश्चन आज तक डिस्कस किए हैं इस सीरीज़ का ये अलेवेंथ वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव टू फाइव अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा सो लेट स्टार्ट द वीडियो सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वन अमंग द फॉलोइंगल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है द आंसर इज गैस टंक्सटंट आर्क वेल्डिंग दैट इज जी टी ए डब्ल्यू दैट इज ऑल्सो नोन एज टिग वट इनर्ट गैस वेल्डिंग सो टिग वेल्डिंग में जो है इलेक्ट्रोड जो है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है जो कि नॉन कंज्यूमेबल इन नेचर है और आपको एडिशनली एक फिलर रॉड यहाँ पे यूज करना पड़ता है सो so, इसका आंसर हो गया जी टी ए डब्ल्यू दैट इज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस ओके वेल्डिंग यू कैन क्लासीफाई इन टू कैटेगरीज दैट इज सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग एंड फ्यूजन वेल्डिंग ओके okay? सो so, इसमें से सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग कौन सा है ये क्वेश्चन है द आंसर इज फ्रिक्शन वेल्डिंग ओके सो फ्रिक्शन वेल्डिंग में जो है मेटल का वेल्डिंग नहीं होगा और आप उसे ज्वाइन कर पाओगे जैसे कि आप ये दो कंपोनेंट्स हैं इन दो कंपोनेंट को एक दूसरे के अगेंस्ट रोटेट करेंगे जिसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा और वो सेमी सॉलिड स्टेज में चले जाएगा जिसके वजह से ये दो मेटल्स ये दो पार्ट जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे सो द आंसर इज फ्रिक्शन वेल्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेल्डिंग फ्लक्स इज प्रिपेर इन फॉर्म ऑफ ए कोर्स पाउडर एंड ग्रैन्युलेटेड फ्लक्स इज स्प्रेड ओवर द ज्वाइंट वॉट इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस कॉल्ड ओके मतलब एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस कि जिसमें फ्लक्स जो है वो ग्रैन्यूअल के फॉर्म्स में होता है और वो कंप्लीटली सबमर्ज कर लेता है आर्क को उसको किस टाइप का वेल्डिंग कहते हैं

कॉकिंग ये प्रोसेस होता है सो कॉकिंग इज अ प्रोसेस एम्प्लॉइड ऑन ए रिवेट जॉइंट ऑफ ए प्रेशर वेसल लाइक टैंक स्टीम बॉयलर टू मेक द जॉइंट लिक प्रूफ एंड फ्लूड टाइट नेक्स्ट क्वेश्चन इन डी सी आर्क वेल्डिंग इफ लीड्स आर अरेज इन ए वर्क एज निगेटिव पोल ऑफ द वेल्डिंग आर्क एंड इलेक्ट्रोड एज अ पॉजिटिव पोल ऑफ दिल्डिंग आर्क देन द अरेजमेंट इज नोन एज ओके क्वेश्चन को समझ लो ठीक है कि हम लोग क्या कर रहे हैं वर्क को ये हो गया आपका वर्क पीस वर्क पीस को निगेटिव कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड को अगर पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं सो द आंसर इज़ रिवर्स पोलैरिटी अगर आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है ओके okay, अगर आपका इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोड अगर आपका पॉजिटिव है और वर्क अगर आपका नेगेटिव है तो उसे कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी राइट सो वेल्डिंग में अलग अलग टाइप के पोलैरिटीज़ है दैट इज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड एसी पोलैरिटी सो वेरी फर्स्ट दैट इज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल पे है वेर एज आपका जो वर्क पीस है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे है वर्क पीस पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल इस इस केस में क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोलाइड करेंगे सो मैक्सिमम हीट जो है वो वर्क पीस पर जनरेट होगी ओके सो अगर आप टिक वेल्डिंग अगर यूज़ कर रहे हो तो इस केस में देखिए मैक्सिमम जो है आपको हीट जो है वो वर्क पीस में जनरेट करनी होगी उसे वेल्डिंग करने के लिए वेयर एज अगर आप मिग प्रोसेस यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव सो इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव करोगे और वर्क पिस को आप निगेटिव करोगे जिसके वजह से क्या होगा मैक्सिमम जो हीट है वो जनरेट होगी आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर और वो मेल्ट होगा और फिर वो मेल्टेड इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ होगा वेल्डिंग के लिए सो so, ये यूज होगा मिग में और ये यूज़ होगा टिग में थर्ड टाइप है दैट इज़ ए सी जिसमें पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होते रहती है सो हाफ साइकिल के लिए आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बनेगा और हाफ साइकिल के लिए आपका वर्क पीस पॉजिटिव रहेगा सो ऐसे पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होते जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस ऑफ स्टील द स्पेसिमेन इज हीटेड द आंसर इज अबो द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूल्ड इन ए स्टील है एयर ओके सो नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग स्पेसिमेन को हीट करेंगे अबो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और फिर उसे कूल cool करेंगे एयर में सो नॉर्मलाइजिंग एम्स टू गिव द स्टील ए यूनिफॉर्म फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर सो नॉर्मलाइजिंग इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट जिस जिसमें क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म फाइन स्ट्रक्चर मटेरियल में मिलेगा द प्रोसेस इज यूज टू ऑपटेन ए प्रेडिक्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर एंड एन अश्योरेंस ऑफ द स्टील मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको यूनिफॉर्म मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन ए सी एन सी वर्टिकल मिलिंग मशीन हैज टू कट ए स्ट्रेट स्लॉट ऑफ टेन एम एम विड्थ एंड टू एम एम डेफ्थ बाई कटर ऑफ टेन एम एम डायमीटर बिटवीन द पॉइंट जीरो जीरो एंड द पॉइंट हंड्रेड हंड्रेड ऑन एक्स वाई प्लेन द फीड रेट यूज फॉर द मिलिंग इज फिफ्टी एम एम पर मिनट मिलिंग टाइम फॉर द स्लॉट इज द आंसर इज वन सेवेंटी सेकेंड्स ओके सो इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया है प्लीज़ आप रेफर कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 100 एम एंड हाइट 50 एम एम इज फॉर्ज बिटवीन टू फ्रिक्शन फ्रिक्शनलेस फ्लैट डाइस टू ए हाइट ऑफ 25 फाइव एम एम द परसेंट चेंज इन डायमीटर इज द आंसर इज 41.4। ओके 41.4 परसेंट इसका भी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है प्लीज़ आप उसे रेफर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑपरेशन इन विच द ऑइल इज परमिटेड इन टू द पोर्स ऑफ ए पाउडर मेटलरजी प्रोडक्ट इज नोन एज ओके ये क्वेश्चन है पाउडर मेटलरजी के रिलेटेड तो जिसमें ऑयल जो है वो परमिट किया जाता है उस प्रोडक्ट में ओके okay? तो उसे कहते हैं इम्प्रिग्नेशन सो if the pores in a sintered compact are filled with the oil the operation is called as impregnation the lubricant are added to the pores bearing gears and pump rotor next question a hole is of dimension phi equal to 9 plus 0 0.015 on upper side and on lower side 0 mm the corresponding shaft of the dimension 9 on upper side ज़ीरो पॉइंट जीरो वन ज़ीरोम एम ऑन लोअर साइड जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम एम द रिज़ल्टिंग असेंबली हैज़ सो ये दो डायमेंशन है तो रिजल्टिंग जो भी असेंबली बनने वाली है उसमें किस टाइप का फिट होगा सो देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िट लाइक ट्रांजिशन फिट इंटरफरेंस फिट क्लियरेंस फिट सो इसमें कौन सा फ़िट रहने वाला है सो द आंसर इज़ ट्रांजिशन फ़िट इसमें रहेगा ट्रांजिशन फ़िट तो देखिए अपर लिमिट क्या बन जाएगा नाइन पॉइंट ज़ीरो वन फाइव क्योंकि आपको नाइन में ऐड करना है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन फाइव लोअर लिमिट होल का क्या बनेगा नाइन एम एम क्योंकि लोअर में टॉलरेंस कुछ भी नहीं है शाफ्ट का अपर लिमिट बनेगा नाइन पॉइंट जीरो वन जीरो एम एम और लोअर लिमिट बनेगा नाइन पॉइंट ज़ीरो जीरो वन एम एम सो अगर आप शाफ्ट का अपर लिमिट और होल का अपर लिमिट लेते हो स्टिल उसमें ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव जीरो ज़ीरो फाइव एम एम का गैप है सो so, उसे कहेंगे हम लोग ट्रांजिशन फिट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलिंग कम्पोनेंट इज मेनली मैनुफैक्चर्ड बाय परफॉर्मिंग मेटल फॉर्जिंग ओके द आंसर इज कनेक्टिंग रॉड द आंसर इज कनेक्टिंग रॉड सो कनेक्टिंग रॉड इज मैनली मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉर्जिंग ऑपरेशन सो इसमें यह पूछा था कि फॉर्जिंग ऑपरेशन से कौन सा कंपोनेंट बनता है सो so, कम्पोनेट बनेगा आपका कनेक्टिंग रॉड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस परफॉर्म्स स्क्वीजिंग आउट ऑफ द मटीरियल थ्रू ए होल इसमें से कौन सा है कि जिसमें हम लोग देखिए यहाँ पे मेटल जो है वो सेमी सॉलिड स्टेज में रहेगा और फिर हम लोग उसको एक डाय में से फोर्सफुली पास करेंगे सो so ये कौन सा प्रोसेस है द प्रोसेस इज एक्सट्रूजन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कास्टिंग टेक्निक इज बेस्ट टेक्निक फॉर कास्टिंग ट्यूब्स एंड होलो पाइप इसमें से कौन सी मेथड है जो बेस्ट है फॉर कास्टिंग ट्यूब्स एंड हॉलो पाइप सो द आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का सो मोल्टन मेटल जो है वो ऐसे पोअर करेंगे और इस मोल्ड को हम लोग रोटेट करेंगे सो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी मोल्टन मेटल है वो पेरी फेरी पर चले जाएगा ओके okay? सो so जो भी आपके ट्यूब्स होते हैं पाइप्स होते हैं उसको इस मेथड से मैन्युफैक्चर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डज़ एच ए जेड मीन्स एच ए जेड का मीनिंग क्या है सो इट इज़ नोन एज हीट अफेक्टेड जोन जो कि हम लोगों को मिलता है वेल्डिंग में देखिए दो प्लेट यहाँ पे ज्वाइन किए हुए ये आपका वेल्ड मेटल है और ये जो रीजन है इसे कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन जहाँ पर माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंज आएगा ये आपका बेस्ट मेटल है सो so इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा माइक्रोस्ट्रक्चर में लेकिन यहाँ का जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो चेंज होगा जिसे कहेंगे हीट अफेक्टेड जोन नेक्स्ट क्वेश्चन with the increase in the heat input of arc welding method how does it affect the welding speed okay so agar aapne heat input aap increase kar rahe ho to welding speed ke sath uska relation kya hai so iska answer rahega decreases okay iska jo answer hai wo rahega decreases right? so, अगर आप heat input बढ़ा रहे हो मतलब आप कम speed पे आप welding speed uh, welding कर रहे हो अगर आपकी स्पीड कम है मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा हीट इनपुट जो है उस वर्कपीस को दे रहे हो सो so, दोनों जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग इसमें से कौन सा जो है वो आर्क वेल्डिंग का टाइप नहीं है द आंसर इज एयर एसिटिलीन जो आपका गैस वेल्डिंग है वो आर्क वेल्डिंग का टाइप नहीं है ये हो गया आपका गैस वेल्डिंग सो यहाँ पे एसिटिलीन और ऑक्सीजन ऐसे दो सिलेंडर्स रहेंगे दोनों को कंबाइन करेंगे यहाँ पे और फिर उसका कम्बेशन होके मटेरियल का मेल्टिंग होगा सो एयर एसिटिलीन वेल्डिंग जो है वो आर्क वेल्डिंग का टाइप नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसमें से कौन सा जो है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप नहीं है द आंसर इज इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग ओके सिम वेल्डिंग प्रोजेक्शन वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग ये सारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप है वेयर एज इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्यूएल गैस इज कॉमनली यूज इन गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में कौन सा कॉमनली यूज फ्यूल यूज होता है कॉमनली कौन सा यूज होता है द आंसर इज एसिटिलीन ओके सो हम लोग क्या करते हैं एक एसिटिलीन सिलेंडर हमारे पास होगा एक ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों को एक प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे यहाँ पे और फिर उसे इग्नाइट करेंगे सो द आंसर इज एसिटिलीन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीऐसीटिलीन प्रोसेस इज मोस्ट सुटेड फॉर विच टाइप ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस द आंसर इज मेटल शीट ओके मेटल शीट के लिए ऑक्सीऐसीटिलीन जो प्रोसेस है वो बेस्ट सुटेबल प्रोसेस है सो ऑक्सीऐसीडिलीन प्रोसेस इज मोस्ट सुटेड फॉर जॉइनिंग द मेटल शीट फॉर जॉइनिंग मेटल प्लेट्स विच आर हैविंग द थिकनेस फ्रॉम एम एम टू फिफ्टी एम एम ने फॉर वॉट थिकनेस मटीरियल अगर आप ऑक्सीन से वेल्डिंग कर रहे हो तो उसमें एक वेल्डिंग रॉड मतलब फिलर मटीरियल यूज होता है तो उसका थिकनेस कितना होता है थिकनेस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन न्यूट्रल फ्लेम व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इनर कोन सो ऑक्सीटिली गैस वेल्डिंग में आपको तीन टाइप के फ्लेम्स मिलते हैं न्यूट्रल फ्लेम कार्बराइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यूट्रल फ्लेम में जो इनर कोन होता है उसमें टेम्परेचर कितना होता है देखिए ये न्यूट्रल फ्लेम है और ये जो फाइट पोर्शन में है वो है इनर कोन यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है सो द आंसर इज थ्री टू ज़ीरो जीरो डिग्री सेल्सियस बत्तीस सौ डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर्क टू द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द आंसर इज आर्क लेंथ देखिए पे सो टिप ऑफ रॉड ये जो है ये आपका इलेक्ट्रोड है सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसे कहते हैं आर्क लेंथ आर्क लेंथ सो द आंसर इज आर्क लेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन आर्क वेल्डिंग मशीन यूजेज ओनली डी सी सप्लाई ट्रू और फॉल्स आर्क वेल्डिंग में इसका कहना है कि सिर्फ डी सप्लाई यूज होता है सो द आंसर इज फॉल्स क्योंकि आर्क वेल्डिंग में आप यू कैन यूज ए सी एंड डी सी बोथ सप्लाई यू कैन यूज नेक्स्ट क्वेश्चन विच मटेरियल इज नॉट यूज एज अ आयरन कोटिंग ऑन द इलेक्ट्रोड यूजड इन आर्क वेल्डिंग ओके सो इसका आंसर है स्टील स्टील कभी भी कोटिंग के लिए यूज नहीं होता है ओके सेल्यूलियस यूज होता है आयरन पाउडर यूज होगा इवन कैल्शियम फ्लोराइड भी यूज होगा लेकिन स्टील कभी भी कोटिंग के लिए यूज नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है द आंसर इज वन फाइव थ्री फाइव डिग्री सेल्सियस ये हो गए आपके प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्विंचिंग इसमें से कौन से प्रोसेस को हम लोग क्विंचिंग कहेंगे सो द आंसर इज रैपिड कूलिंग रैपिड कूलिंग को हम लोग कहेंगे क्विंचिंग सो so देखिए पे पहले तो पार्ट को हीट किया जाता है और उसे फिर क्विंच किया जाता है ऑयल या फिर वाटर में नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द परसेंटेज ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ आयरन इन सीमेंटाइट सीमेंटाइट में आयरन का वेट परसेंटेज कितना होता है द आंसर इज 93.3 थ्री परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस विच अल्टर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल बाय चेंजिंग द प्रोडक्ट शेप द आंसर इज फॉल्स हीट ट्रीटमेंट में हम लोग कभी भी शेप चेंज नहीं करेंगे सिर्फ उस पार्ट को हीट करेंगे और अलग अलग मेथड से कूल करेंगे सो दैट इज नोन एज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिंग प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड कप शेप ऑब्जेक्ट इसमें से कौन सा प्रोसेस है कि जिससे हम लोग कप शेप के ऑब्जेक्ट्स या फिर घर के जो बर्तन है वो बना सकते हैं द आंसर इज डीप ड्राइंग प्रोसेस सो डीप ड्राइंग प्रोसेस से जो है हम लोग घर के बर्तन बना सकते हैं so सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इस फॉर्म में सबसे पहले एक एक डिस्क के फॉर्म में आपका रॉ मटेरियल रहेगा राइट right? और फिर उसे पंच के विद द हेल्प ऑफ पंच हम लोग पंचिंग करेंगे ताकि उसका कन्वर्जन एक यूटेंसिल में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज स्विंग ओवर कैरेज ओके सो ये जो क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू लेथ मशीन सो इसका आंसर है द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्क पीस दैट कैन बी रोटेट ओवर द लेथ सैडल सो मैक्सिमम कितने डायमीटर का जॉब आप आपके लेथ मशीन के ऊपर रोटेट कर सकते हो उसे कहते हैं स्विंग ओवर कैरेज तो देखिए ये सारे लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन है दैट इज हाइट ऑफ सेंटर ओके देन लेंथ बिटवीन द सेंटर मतलब मैक्सिमम कितने लेंथ का जॉब आप यहाँ पे मशीनिंग कर सकते हो लेंथ ऑफ बेड स्विंग डायमीटर स्विंग डायमीटर देन मैक्सिमम डायमीटर एंड देन स्पिंडल स्पीड सो दिस दिस आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टंट मास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टंट मास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सो द आंसर इज रूलिंग अब देखिए टर्निंग में हम लोग क्या कर रहे हैं मशीनिंग कर रहे हैं मटेरियल रिमूव कर रहे हैं ब्रोचिंग में भी हम लोग मटेरियल रिमूव करते हैं सोइंग मतलब कट करना उसमें भी हम लोग मटेरियल रिमूव करते वेर एज रोलिंग में मटेरियल रिमूव नहीं होता है बस उसकी थिकनेस रिड्यूस होती जाती है हर एक पास में सो so, इसे कहेंगे कॉन्स्टेंट मास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस इज लीस्ट फ्लेक्जीबल सबसे कम फ्लेक्जिबल प्रोसेस इसमें से कौन सी है द आंसर इज मास प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन जो है वो लिस्ट फ्लेक्सिबल रहेगा क्योंकि सेम प्रोडक्ट हम लोग बहुत सारे क्वांटिटी में बनाएंगे सो उसमें प्रोडक्ट लेआउट यूज़ होगा और आपकी सारी जो मशीन्स हैं वो स्पेशल पर्पज़ मशीन रहेगी इसलिए वो लिस्ट फ्लेक्सिबल मेथड है नेक्स्ट क्वेश्चन परमिएबिलिटी कैन बी डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड द आंसर इज वाट इज परमिएबिलिटी सो इट अलाउ गैसेज टू एस्केप इजीली फ्रॉम द मोल्ड मोल्ड से गैसेस जो है वो इजीली एस्केप हो जाएंगी अगर वो सैंड परमिएबल है ओके okay, सो so यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी है व्हाट इज परमिएबिलिटी प्लीज गो थ्रू इट नेक्स्ट क्वेश्चन अ मॉडल ऑफ कास्टिंग कंस्ट्रक्टेड टू यूज फॉर फॉर्मिंग ए मोल्ड इन ए डैम सैंड इज कॉल्ड एज ओके सो मोल्ड किससे बनाया जाता है सो द आंसर इज पैटर्न देखिए यहाँ पे ये यह है वुडन पैटर्न इस वुडन पैटर्न से हम लोग क्या कहेंगे करेंगे एक कैविटी तैयार करेंगे राइट right? सो so, वही क्वेश्चन था कि कैविटी तैयार करने के लिए क्या यूज होता है सो द आंसर इज पैटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन टूल लाइफ ऑफ द कटिंग टूल इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सो हे द आंसर इज कटिंग स्पीड देखिए आप ये टूल लाइफ है टी इज टूल लाइफ सो ये मोस्टली किस पे डिपेंड होता है सो इट इज़ डिपेंड ऑन कटिंग स्पीड दैट इज़ वी वी इज यूर कटिंग स्पीड नेक्स्ट क्वेश्चन मेटल इन मशीनिंग ऑपरेशन इज रिमूव्ड बाय सो द आंसर इज शेयरिंग द मेटल अक्रॉस द जोन सो ये हो गया आपका शेयर जोन सो so, यहां का जो ये मटीरियल है यह शेयर हो रहा है कंटिन्यू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन अ फीलर गेज इज यूज टू चेक फिलर गेज का क्या पर्पज है द आंसर इज थिकनेस ऑफ द क्लियरेंस जैसे अगर मुझे यहाँ का क्लियरेंस नापना है तो मेरे पास ऐसे एक फिलर गेज होगा जिसमें अलग अलग थिकनेस के जो ब्लेड्स होंगे वो ब्लेड मुझे यहाँ पास करना है जिससे मुझे यहाँ का क्लियरेंस मैं मेज़र कर सकता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर ओके सो एक साइड प्रोसेस है दूसरे साइड में कौन सी स्ट्रेस उसमें आती है ये है सो ब्लैंकिंग स्ट्रेच फॉर्मिंग कॉइनिंग डीप ड्राइंग सो देखिए ब्लैंकिंग में जो है वो शीयर होगा स्ट्रेच फॉर्मिंग में टेंशन होगा कॉइनिंग आप कॉइन बना रहे हो सो so उसमें कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई होगा देन डीप ड्राइंग उसमें क्या होगा टेंशन एंड कॉम्प्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन मेन प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग फ्लूड इज सो द आंसर इज स्पेसिफिक हीट कटिंग फ्लूड है मतलब उसने हीट जो है वो कैरी करना चाहिए सो स्पेसिफिक हीट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ योर कटिंग फ्लूड नेक्स्ट क्वेश्चन A tool which is used to enlarge a previously drilled hole is known as मतलब देखिए एक एक होल आपके पास पहले से बना हुआ है और उसका डायमीटर आपको इंक्रीज करना है तो कौन से ऑपरेशन से होगा या फिर कौन सा टूल उसमें यूज होगा सो तो ऑपरेशन होगा बोरिंग ऑपरेशन और टूल का नाम होगा बोरिंग टूल नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ द चक इज़ यूज फॉर सेल्फ अलाइनमेंट ओके सो इसका आंसर होगा थ्री जॉ चक अब इसमें क्या होगा अगर आपने एक जॉब ही क्लैम किया तो बाकी दो जॉब ही जो है वो क्लैम्प हो जाएगी हैंस इट इज़ नोन एज सेल्फ सेंटरिंग चक वही फोर जो चक में क्या होगा आपको इंडिविजुअल सारे जॉ को क्लैम्प करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस ए ड्रिल मूव इन टू द वर्क फॉर ईच रिवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल इज कॉल्ड सो द आंसर इज फीड ऑफ ए ड्रिल्ड ओके सो so, एक रिवोल्यूशन में आपके ड्रिल ने कितने वर्क पीस में एंट्री किया कितना उसे कहेंगे फीड सो फीड का यूनिट बनेगा एम एम पर रिवोल्यूशन मतलब कितना एम mm एम उसने ट्रैवल किया एक रिवोल्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन टैप इज़ यूज फॉर द आंसर इज मेकिंग इंटरनल थ्रेड्स अगर आपको इंटरनल थ्रेड्स कट करना है तो आप यूज़ करोगे टैप सो देखिए यह है टैप और इससे ऐसे टैपिंग ऑपरेशन से आपको इंटरनल थ्रेड्स मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रिकमेंडेड पॉइंट एंगल फॉर द ड्रिलिंग व्हाइट कास्ट आयरन इज वाइट कास्ट आयरन अगर आपको ड्रिल करना है तो एंगल कितना होना चाहिए सो द आंसर इज वन वन एट डिग्री इतना एंगल होना चाहिए ताकि आप वाइट कास्ट आयरन का मशीनिंग कर सकते हो देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एन एब्रेजिव व्हील इज मार्क्ड ए सिक्सटीन पी फाइव व्ही बी ई वे सिक्सटीन इंडिकेट्स अभी सिक्सटीन का क्या मीनिंग है सो so सिक्सटीन जो है वो डिनोट करता है ग्रेन साइज ओके सो देखिए ये एक जनरल डिजिग्नेशन uh, है सो so इसमें देखिए पहला जो है सी उसे कहेंगे एवरेजि सेकेंड को कहेंगे ग्रिट थर्ड को ग्रेड फिर स्ट्रक्चर उसके बाद बॉन्ड टाइप एंड देन मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिटी सो ऐसे छह अलग अलग पैरामीटर होते हैं आपके ग्राइंडिंग व्हील के डेजिग्नेशन में सो so, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो आपका कोई फ्रेंड है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो ये वीडियोज़ जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियोज़ आप चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट विज़िट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू